अच्छा, ये आपका सब्जेक्ट रेडी है। ये टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है ये जानते हुए भी चीफ यहाँ क्यों मौजूद नहीं है? कहाँ है चीफ? सर, चीफ रिसर्च के लिए इंसानों की धरती पर गए हुए हैं ताकि यह पता लगा सके इसे जंग के लिए हथियार हम कहाँ कहाँ छुपा सके। ये चीफ भी ना, खैर क्या शुरू करो। ये सर, सारे इंसानों को अपने जैसा बना देंगे। और सभी जानते हैं कि बनाने वाला को भगवान कहते हैं। सर, सर, और उत्तम आओ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे अब तो हमारे जीतने का वक्त आया है। सर सर, वो पुलिस वाले को ना हमारे ऊपर शक हो गया है और वो हमारे चीफ को भी उठा के ले गए। सर, उनके पास तो बेल्ट भी नहीं था कि वो अपने आप को बचा सके। क्या? और हवालात से चीफ को चुरा लाओ। मुझे किसी भी कीमत पे चीफ हवालात से बाहर चाहिए। ये कभी को भी अचानक क्या हो जाता है। जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में पूरे डिपार्टमेंट को परेशान करके रखा है इसने। सर, लेकिन कवि सर की बात भी एकदम ठीक है। ये रुस्तम अपने गैंग वालों को इन्फॉर्म तो जरूर करेगा कि पुलिस वालों ने उसके एक आदमी को पकड़ लिया है। कमांडो, ये तो वही लोग हैं जो हमारे चीफ को जोर से उठाने गए। तेरी तो हमारे चीफ के साथ जबरदस्ती करने वाले को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उठा ले, चलो अंदर। जवाब दे दूंगा। बहुत जल्द यहां से बाहर निकलने के बाद तुझे जवाब दूंगा। गलत जवाब। अफसोस, आपने गलत जवाब दिया भाई। आए खेल रहा था इसके साथ। क्या बोलता भाई, कैसा है तू? बस बढ़िया, आप बताइए। और एकदम फिट लग रहा है तू, क्या बात है? वो आप लोगों के साथ काम कर रहा था तो योगा नहीं किया था, छुट्टी मिली सोचा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। जस्ती नहीं करना, वैसे तेरी बॉडी लबड़ के जैसी है, ज्यादा करेगा चिंगम बन जाएंगे। एक मिनट, फोन है। हाँ मयंक, बोल। क्या? हाँ तो हाँ, ठीक है ओके। वो यार रणबीर को ना कोई लोग ने किडनैप कर लिया है। इस पे ना मेरे को पहले से ही सकता है। ए शाने, तू कान खोल के सुन। वो मेरे साथी पुलिस वाले को कुछ हुआ ना, तेरे को फ्राइंग पैन में डाल के पकोड़ा बना डालूंगा मैं। तेरी हंसी निकालता हूँ मैं अपनी।
गिर गया है। हमेशा इन समय पे गलत काम करते हो। जाओ यही कहीं शॉप में गिरा होगा, जाओ जल्दी लेकर आओ। चलो कवि, वरुण, अरे क्या हुआ तुम लोग? उठो वरुण, उठो 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 उठो। और वो जिसे गिरफ्तार करके यहाँ अंदर बंद करके रखा था वो कहाँ है? वो उसके आदमी लोग आए और उसको लेके चले गए सर। उन लोग ने ना रणबीर को भी किडनैप किए ले। खैर कोई बात नहीं, तुम दोनों ठीक तो हो ना? सर इससे पहले हम उन्हें रोक पाते, उन्होंने अपने पट्टे का पता नहीं कौन सा बटन दबाया जिसकी आवाज से हम लोग बेहोश हो गए। अरे सर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो एंटीक शॉप के अंदर ही लोग अपना सर्कस चला रहे। अभी उधर घुस के उन लोगों को करता कैसा करने का ना वो बताते हैं। वो हम देखते हैं, लेकिन पहले रणवीर को किसी तरह से वहां से बाहर निकालना होगा। अगर वो बेल्ट नहीं मिला तो चीफ मुझ पर और भड़केगा। पुलिस सर, रणवीर सर बेहोश हो गए तो रुस्तम उन्हें कुछ बाहरी दुनिया के लोगों के साथ इसी दुकान के अंदर लेके आए, और उसके ठीक थोड़ी देर बाद चीफ उन्हीं जैसे लोगों के साथ यहीं पे आया था। तू फिक्र मत कर मयंक, उन लोग आ गए ना अभी। उन लोगों को बेहोश करने की बहुत आदत है, अभी उन लोगों का होश कैसा उड़ाते है तू देख। योगा हुआ किया कर। सर ये तो इस तरफ आ ही नहीं रहा है, लगता है कि उस तरफ से कोई खींच रहा है। ओके डन लगा सर। दो ऐसा कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा सर। सर वो पेंटिंग के उस तरफ आधा, इस तरफ इधर आधा, मैं उसका हाथ खींच रहा, उधर से कोई खींच रहा, सर ये ऐसा कैसा हो सकता है? बहुत पहले मैं अपने किसी दोस्त से मिला था, इज अ पैरानॉर्मल फिनोमेनन एक्सपर्ट। ये सारी अजीब सी और अजीबोगरीब घटनाएं और ये सारे हादसे जो हो रहे हैं ना, वो उन पर रिसर्च करता है, यही उसका काम है। उसका यह मानना है कि ये एक तरह का दरवाज़ा है जहाँ उनकी दुनिया से हमारी दुनिया में लोग आ सकते हैं, और ये दरवाज़ा अलमारी का हो सकता है, घर का हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, किसी बंगले का हो सकता है। अगर साफ लफ्जों में कहूँ तो एक तरह से एक पर्दा है जहाँ इस तरफ हम रहते हैं और पर्दे के उस तरफ वो लोग रहते हैं। सर मतलब वो पेंटिंग वो जरिया है? हाँ मतलब सर जिस तरीके से वो इस पेंटिंग से हमारी दुनिया में आए, हम भी उनकी दुनिया में जा सकते हैं। That's exactly what I'm trying to say. जिस तरह से वो लोग हमारी दुनिया में आ सकते हैं, हम लोग भी उनकी दुनिया में जा सकते हैं। तीन हमारे सिर्फ तीन कमांडो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में घुस कर तुम्हें हरा कर आए। सोचो सोचो जरा के
हमारी पूरी फौज तुम्हारी दुनिया का क्या हाल करेगी। कोई हक नहीं है तुम्हें, कोई हक नहीं है तुम लोगों को इस दुनिया पे राज करने का। बर्बाद करके रख दिया है तुमने इस दुनिया को अपनी लालच और स्वार्थ के चक्कर में। भूल चुके हो, भूल चुके हो तुम लोग कि कुदरत तुम्हारे लिए नहीं है, तुम लोग कुदरत के लिए हो। इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि इससे पहले कि तुम लोग हमारी दुनिया को अपनी हवस का शिकार बनाओ, हम तुम्हारी दुनिया को ही खत्म कर डालें। और इस नए इतिहास का पहला नायक कौन है, देखना चाहोगे इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, इनकी दुनिया से मुझे बाहर निकालो, प्लीज बाहर निकाल। hey! छोड़ दो प्रोफेसर को। कोशिश करो कवि, यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए, कोई ट्रिगर या कोई बटन या कोई मूवमेंट। क्या हुआ सर? वो कवि सर तो अंदर चले गए। संभल कर मयंक, संभल। ऐसा तो मैंने ना कभी सपने में भी नहीं देखा था। सर वो फिल्म में दिखा देना, बिल्कुल सेम वैसे ही। सर ये तो हमारी दुनिया का बिल्कुल छोटा वर्जन है, सब कुछ है इनके पास, बिल्डिंग, रोड, गाड़ियां, सब कुछ है। सब कुछ तो है उन लोगों के पास, तो भी ऐसा काय को कर रहे हैं उन लोग? भाई इसका जवाब तो वही लोग दे पाएंगे तो यहाँ पर रहते हैं। लोगों का हमारी दुनिया में स्वागत है। ये धूल चटाएंगे हमें। अरे कैसे चटाएंगे धूल? तीन दिन तक तो इनको होश ही नहीं आएगा, और जब तक ये लाल बटन नहीं दबाएंगे तब तक किसी को होश नहीं आएगी। और वैसे भी कुछ ही क्षणों में ये सब हम सबके जैसे बन जाएंगे। यस। और तब
पूरा होगा हमारा वो सपना जो हम परसों से देखते आ रहे हैं, अमन और शांति का सपना। एक ऐसी दुनिया जहां कोई लालच नहीं, कोई बुराई नहीं होगी। और तुम सब हमारे गुलाम हो गए। कमांडर, इस तरह से तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। देखो, तुम अमन और शांति की बात कर रहे हो और ये चीफ गुलाम बनाने की बात कर रहा है। यही तुम्हारी यही आदतें मुझे पसंद नहीं है। जब तुम लोग हारने लगते हो ना, तो चू 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 करने लगते हो। अच्छा, सच सुन के घबरा गया क्या? डर लग रहा है क्या तेरे को? हाँ सर, आप उनकी बातें बतूंगे सर। ये इंसान तो होते ही दोगले सर। याद रखें, तुम सबका आने वाला वक्त मैं बताऊंगा कैसे होगा। आइए सर। साइंटिस्ट, क्या कर रहे हो तुम लोग? देखा हमारी ताकत का नमूना। अभी तो सिर्फ ये एक है, एक एक करके तुम सबका यही हाल होने वाला है। क्यों चीफ, तुम्हें लगा कि ताकत सिर्फ तुम्हारे ही पास है? ताकत हमारे पास भी है। प्रोफेसर, क्या ये 15 बार पहले भी तुम फेल हो चुके हो, ये 16वीं बार है। और क्या कहा था तुमने मुझे? क्या कहा था कि हमारा गैस का ये फार्मूला कभी फेल नहीं होगा? फिर ये कैसे हुआ? कैसे हुआ मुझे बताओ, कैसे हुआ? मैं एक साइंटिस्ट हूँ कमांडर साहब, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरा ये फार्मूला कैसे फेल हो गया। मालूम कैसे हो गया? फिर किस तरह के साइंटिस्ट हो तुम? ताकत के जोश में ना हम लोग पुलिस वाले होश नहीं होते, तेरे से छिरकुट मुजरिम लोग, समझा क्या? वो तेरा पट्टा है ना, अभी बेदर बेल्ट में लगाना है उसको। अरे साइंटिस्ट, ये तूने कैसी मशीन बनाई? अरे इससे ही मैंने इसका बेहोश किया था ना, इसको होश कैसे आया? अब तुम्हारे और तुम्हारे फौज के पास एक ही रास्ता है कि अपने हथियार डाल दो, वरना अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। ऐसे फेल कैसे हो सकता है? ये जो फॉर्मूला तुमने बनाया ना, गैस फॉर्मूला Z/X, ये सिर्फ गैस बनाने के लिए काम आएगा, समझे? अरे उसको मेरे मन की आवाज कैसे पता चल गई? ये लोग तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है। तुम्हारा ये मिशन अब कभी कामयाब नहीं होगा। नहीं कमांडर, मैं अपने मिशन को यूं टूटने नहीं दूंगा कमांडर। नहीं कमांडर,
ये मेरा मिशन था कमांडर, मैं अपने मिशन को इस तरह टूटने वाले दे सकता नहीं दे सकता। मयंक, प्रोफेसर, 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 मैं माफी चाहता हूं। उसकी बातों में आ गया था मैं। मैं अपनी दुनिया बचाना चाह रहा था और अब अपनी दुनिया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहा कि मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दे दिया और आपके लोगों ने आपकी दुनिया बचाने में आपका साथ दिया। आपकी सेकता और जज्बे को मैं सलाम करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कमांडर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन इस एहसास को पाने के लिए कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जिंदगियां कमाई हैं। अच्छाई और बुराई कहां नहीं होती, तुम्हारी दुनिया में भी है और हमारी दुनिया में भी है। इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इसलिए यहां पर जितने भी हथियार हैं उन्हें मैं अपनी हिरासत में लेता हूं। और ये जो फॉर्मूला वाली गैस ZYX तुम लोगों ने बनाई है, उस समय जाती तौर पर नष्ट और खत्म करने की कोशिश करूंगा। कमांडर, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हर युग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे इस आपस के भरोसे को अपने स्वार्थ तले कुचलने की कोशिश करते हैं। हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उसकी बनाई हुई कायनात को बदलने की कोशिश करें। इंसान के मर जाने से बुराई नहीं मरती, बुराई को ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा। अरे खाली पीली काय को रिस्क लेता है यार। अरे अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो तेरे को हीरो बनने का चांस कहां से मिलता रे? ओके गाइस, देखो आज के बाद तुम दोनों के बीच में ये बहस नहीं होनी चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर सही। तुम दोनों की वजह से आज इस दुनिया को बचाया गया। और अभी भी अगर ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती है तो मैं ऐसे करते हैं कि इन दोनों को वापस उस दुनिया में भेज दे। कवि सर सोचे ना जरा कि अगर आपको आपको बाहरी दुनिया के लोगों जैसा बना के तो आप कैसे देखेंगे? ए, क्वीट लगूंगा रे, स्वीट हूं मैं एकदम। अच्छा कभी एक बात बता, हम सब तो बेहोश हो गए थे लेकिन तू होश में कैसे था? अरे भाई वो चौकी में आए थे ना उसको लेके जाने के लिए, तो तभी वो पट्टे में से आवाज निकल रही थी। मेरे को लगा ना वो आवाज ही भलता कॉज है कुछ करने का, तभी क्या अपनी सिक्स सेंस काम की। सिक्स सेंस आना, अपन चार पुलिस वाले अच्छा कभी ये बताओ कि ये जो होने वाला मामला है ये तुमने हम सबको क्यों नहीं बताया? सिक्स सेंस। सिक्स सेंस नहीं गाइस, नॉनसेंस। चल चल आ जा, नॉनसेंस।